आज बनाएंगे ये इंस्टेंट क्रिस्पी जलेबी, जिसे आप किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है। एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप शक्कर, दो इलायची, थोड़े से केसर के धागे और डेढ़ कप पानी। इसे अच्छे से मिलाएंगे शक्कर घुल जाने तक। शक्कर घुल चुकी है, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस। अब इसे 4 मिनट के लिए उबालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद ऑरेंज फूड कलर का। इसे मिला ले अच्छे से। तो हमारी चाशनी तैयार है। एक दूसरा बर्तन ले और उसमें डाले आधा कप मैदा, चुटकी भर बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक, आधा चम्मच घी, 2 चम्मच दही। मैंने यहाँ खट्टी दही का ही इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करें। ध्यान रहे बैटर ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली। तो हमारा बैटर तैयार है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। मैंने यहाँ पे एक दूध का पैकेट लिया है और उसी में मैं बैटर डाल रही हूँ। बैटर को डालने के बाद उस जगह को हम अच्छे से बंद कर लेंगे। मैंने यहाँ गार्डर बांधा है। अब सामने की तरफ एक कट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो गर्मा गर्म तेल पर जलेबियाँ बनाना शुरू करें। इसी तरह बाकी की जलेबियाँ भी बनाएं। ध्यान रखें जलेबियों को हाई फ्लेम पर पकानी है। इसे 10 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसे पलट कर 5 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखें। तो हमारी जलेबियाँ सुनहरी हो चुकी है। अब इसे निकाल लेंगे। इसे चाशनी में डुबो दे। अब इसे पलट ले। पलटने के बाद इसे निकाल ले। जलेबियों को चाशनी में ज़्यादा देर ना रखें, वरना ये नरम हो जाएंगे। इसी तरह सारी जलेबियों को चाशनी में डुबो दे। तो तैयार है हमारी इंस्टेंट क्रिस्पी जलेबी। इसे मैं सजा रही हूँ पिस्ता से। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।